बच्चों आज के इस कालखंड में हम आपकी कक्षा पांचवी की वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी विषय के अपठित गद्यांश के बारे में जानकारी देंगे या कुछ ऐसे चित्रात्मक अंश हैं उन पर हम नजर डालेंगे, उनको देखेंगे, समझेंगे। इसके पश्चात नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनके हम उत्तर देना सीखेंगे, ठीक है? तो हम सीधे चलते हैं अपनी प्रश्न बैंक के ऊपर जहाँ प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है? वहां से हम निरीक्षण करते हैं और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ठीक है बेटा? बहुत बढ़िया। तो बच्चों हम लोगों ने पिछले कालखंड में प्रश्न क्रमांक 75 तक हल कर लिया था, ठीक है? देखिए हमने यहाँ टिक भी लगा दिया है कि यहाँ तक हमने हल कर लिया है। अब हम आगे हल करते हैं प्रश्न क्रमांक 76 से, है ना? अब ये प्रश्न क्रमांक 76 को 77, 78, 79 से 80 को हल करने के लिए हम यहाँ पर दिए गए जो अंश है इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम निर्देश पढ़ते हैं। क्या लिखा निर्देश में? अंश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर गोला लगाइए। अब यहाँ अंश दिया गया बेटा, ये है ना? यहाँ दिया है फाल्गुन का मेला, एक मेला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मेला। फाल्गुन का मेला लगा है और स्थान है पंचायत का मैदान, जो गांव में ग्राम पंचायत होती है, ठीक है? कुछ गांवों में बहुत बड़े बड़े मैदान होते हैं, तो मैदान में ही क्या लगा हुआ है? मेला लगा हुआ है। काय के मैदान में? पंचायत के मैदान में। ये कब से कब तक है? ये दिनांक 15 से 18 मार्च तक लग रहा है, ठीक है ये मेला। और समय क्या है इसका? प्रातः 10 बजे से रात्रि के 10 बजे तक, ठीक है? मेले में जो दुकानें हैं उनका विवरण इस प्रकार है। यहाँ ये जो मेला दिख रहा है आपको, यहाँ जो दुकानें इसमें हैं उनका विवरण इस प्रकार है। नंबर एक, गुब्बारे पर निशाना लगाना। इस दुकान में 10 रुपए में 5 बार गुब्बारे पर निशाना लगाने को मिलेगा, ठीक है, इन दुकानों में से है। दूसरा है खिलौनों की दुकान, खिलौने की दुकान, और प्रत्येक खिलौना 10 रुपए में बिकता है या 2-10 रुपए का आता है, ठीक है बेटा? इन दुकानों में से एक खिलौने की दुकान है। फिर आगे देखेंगे मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान में समोसा 5 रुपए, जलेबी 10 रुपए की 50 ग्राम, ठीक है? समोसा 5 रुपए का आता है एक, और जलेबी 10 रुपए की 50 ग्राम आती है, ठीक है, इन दुकानों में से है। फिर यहाँ जूते की कीमत 50 रुपए जोड़ी, चप्पल 20 रुपए जोड़ी, ठीक है? तो यहाँ पर ये विवरण दिया गया है, जानकारी दी गई, इसके बारे में हमने अच्छी तरह पढ़ लिया। अब दुकानों के बारे में एक बात देख लेते हैं बेटा। ये शौचालय बना हुआ है वहीं पर, ये गुब्बारे, ये झूले, है ना, ये कपड़े की दुकान, ठीक है, ये मिठाई की दुकान है, ये झूला है, ये अस्पताल है, पुलिस सहायता केंद्र भी रहती है मेलों में, है ये बर्तन की दुकान है, ये प्याऊ है, ये खिलौने की दुकान है, ये जूते की दुकान है, और ये शौचालय फिर से बना हुआ है, ठीक है? तो आपने इस मेले का जो विवरण है, जो अंश दिया है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली और मेले में जो दुकानें आई थी उन दुकानों के बारे में जानकारी पढ़ लिया, ठीक है बेटा? समझ लिए? अब हम यहाँ जो प्रश्न क्रमांक 76 से लगा करके 80 तक जो प्रश्न दिए गए हैं, अब इनके उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 76 क्या कह रहा है कि विवरण के अनुसार यह चित्र है। यहाँ जो विवरण दिया गया है यहाँ पर, इसके अनुसार यह चित्र काय का है? नंबर ए बस स्टैंड का है, नंबर बी विद्यालय का है, नंबर सी सब्जी बाजार का है, नंबर डी मेले का है। मेले का। बिल्कुल सही, काय का है? मेले का है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? डी, मेले का, ठीक है बेटा? प्रश्न क्रमांक 77, मेले का स्थान है, यानी मेला कहाँ लगा है? नंबर ए पंचायत मैदान में, पुलिस थाना मैदान में, सी अस्पताल में, डी खेल के मैदान में। पंचायत मैदान में। बिल्कुल ए नंबर सही है, पंचायत मैदान में। गुब्बारे पर निशाना लगाने का शुल्क है, नंबर ए 5 रुपए में 5, बी 10 रुपए में 5, सी 15 रुपए में 5, डी 20 रुपए में 5। 10 रुपए में 5। बिल्कुल सही, 10 रुपए में 5, ठीक है, विवरण दिया गया है। फिर आगे है प्याऊ के पास में है मिठाई की दुकान, बी गुब्बारे की दुकान, सी जूते की दुकान, और डी बर्तन की दुकान। अभी हम यहाँ फिर से देख लेते हैं, प्याऊ के पास में काय की दुकान है बेटा? बर्तन की दुकान, यानी डी नंबर आएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 80, ऊपर दिया अंश है, ये जो अंश है ये क्या है? नंबर ए सूचना है, नंबर बी कहानी है, नंबर सी निबंध है, और नंबर डी आदेश है। क्या आएगा?
सूचना। सूचना है क्या ये? सूचना। सूचना है ये, किसी प्रकार से भी एक कहानी नहीं है और ना ही कोई निबंध है और ना ही कोई आदेश है, इसलिए उत्तर क्या आएगा? सूचना। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यस। बहुत बढ़िया। अब चलिए आगे जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 85 तक के लिए हम इस निर्देश को पढ़ते हैं। निर्देश क्या है? गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर गोला लगाइए। ठीक है? यस। अब इसको हम पढ़ते हैं बेटा, आपको समझना है, ध्यान देना है। एक राजा था, उसका फलों का एक विशाल बगीचा था। कैसा बगीचा? विशाल। विशाल बगीचा, यहाँ बगीचा के बारे में बताया जा रहा है ना। कैसा बगीचा? विशाल। विशाल बगीचा। इस बगीचे में तरह तरह के फल लगते थे। तरह तरह के यानी कई प्रकार के क्या लगते थे? फल। फल। एक किसान इस बगीचे की देखभाल करता था। एक किसान था जो उस बगीचे की देखभाल यानी रखवाली, देखभाल यानी रखवाली, रखवाली करता था। तो बेटा ये बहुत छोटा सा तीन वाक्यों का गद्यांश दिया गया है। अब इससे प्रश्न बने हैं यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 81 दिए गए गद्यांश में राजा शब्द है। दिए गए गद्यांश में राजा शब्द है। नंबर ए संज्ञा, नंबर बी सर्वनाम, नंबर सी विशेषण, नंबर डी क्रिया। संज्ञा। संज्ञा। राजा इसलिए संज्ञा है क्योंकि यह एक व्यक्ति के लिए आया है। राजा भी एक व्यक्ति होता कि नहीं होता? यस। जब कोई शब्द किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए आता है ना, या व्यक्ति का नाम होता है या व्यक्ति के लिए आता है, प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है? यस। और सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसे संज्ञा शब्द जो है, मान लो उनके स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे हमने पहले कहा कि एक राजा था, उसने एक बगीचा बनवाया, तो वहां जो उसने शब्द आएगा दूसरे वाक्य में, तो उसने शब्द क्या होगा? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है? यस। और राजा क्या है? संज्ञा। यानी ए नंबर सही है हमारा। ठीक है, यहाँ पर क्या कह दिए थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तो उत्तर क्या आएगा? संज्ञा। प्रश्न क्रमांक 82 दिए गए गद्यांश में विशाल शब्द है। यहाँ पर देखिए, उसका फलों का एक विशाल बगीचा था। कैसा बगीचा? विशाल। विशाल। तो दिए गए गद्यांश में विशाल शब्द है, क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है या संज्ञा है? विशेषण। हाँ, विशेषण है, क्योंकि वो विशेषता बता रहा है, बगीचे के बारे में बता रहा है, बगीचे की विशेषता बता रहा है। कैसा बगीचा? विशाल। विशाल है लंबा चौड़ा विस्तृत। ठीक है? इसलिए विशाल शब्द एक विशेषण शब्द है। अच्छा, विशेषण किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जो दूसरे के बारे में जानकारी दे, दूसरों के बारे में बताए, ठीक है, कि वो कैसा है, उसकी विशेषता के बारे में बताए, तो उसको हम विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है? अगला प्रश्न क्रमांक 83 दिए गए गद्यांश में उसका शब्द है। उसका, देखो यहाँ पर आ गया है उसका, कहाँ आया है? उसका फलों का एक विशाल बगीचा था। एक राजा था, उसका फलों का विशाल बगीचा था, यहाँ उसका शब्द आ गया है। तो उसका शब्द किसके लिए आया है? राजा। राजा के लिए। तो पर उसका शब्द क्या होगा बेटा? दिए गए गद्यांश में उसका शब्द है। नंबर ए विशेषण, नंबर बी संज्ञा, नंबर सी क्रिया और नंबर डी सर्वनाम। क्या आएगा? सर्वनाम। सर्वनाम। जैसा कि भी हमने आपको बताए थे कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए गद्यांश में कर्ता शब्द है। कर्ता, यहाँ पर देखो, कर्ता देखभाल करता था, तो ये कर्ता जो शब्द है वो क्या है? यानी किसी चीज की किसी चीज का करना क्या कहलाता है? नंबर ए सर्वनाम, नंबर बी क्रिया, नंबर सी संज्ञा, नंबर डी विशेषण। क्रिया। क्रिया, बिल्कुल सही, क्योंकि देखभाल करता था, तो करने वाले भाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? yes. इसलिए क्या हो जाएगा? क्रिया। और अगला प्रश्न है 85वां, दिए गए गद्यांश में ये जो चिन्ह है ऐसा डंडा विराम चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है वाला? yes. नंबर ए पूर्ण विराम, नंबर बी अल्प विराम, नंबर सी अर्ध विराम और नंबर डी प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आएगा? पूर्ण। पूर्ण विराम, बिल्कुल सही। ये क्या है? पूर्ण विराम है, और इसका प्रयोग हम जब वाक्य लिख करके समाप्त हो जाता है उसके बाद हम इसको लगाते हैं। ठीक है बेटा? यस। तो इस तरह आज के कालखंड में हमने ये दो गद्यांश, ये एक अंश दिया था, चित्र दिया था, मेले का विवरण इसको किया, और दूसरा हमने छोटा गद्यांश किया जिसमें व्याकरण से संबंधित जानकारी हमको पूछी गई है। समझ में आया? यस।
बहुत बढ़िया। तो बच्चों अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने इन प्रश्नों को हल किया। अब आप परीक्षा में हल कर लेंगे। यस। बहुत बढ़िया। बोलिएगा जय हिंद। जय हिंद।